हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल में। अभी हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये हैं एसएससी में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन आईसी इंजन के। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और मैं पहला क्वेश्चन लगाता हूँ आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, चलिए। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कंप्रेशन रेशियो फॉर डीजल इंजन मे हैव अ रेंज। देखिये, दो इंजन होते हैं हमारे पास। एक इंजन होता है पेट्रोल इंजन, जो जनरली प्रैक्टिकल हम यूज करते हैं और जो कि ऑटोसाइकिल पर वर्क करता है। एक डीजल इंजन होता है। ठीक है, तो ठीक है, तो जो डीजल इंजन होता है ना, उसमें कंप्रेशन रेशियो ज्यादा रहता है। ठीक है, तो इसकी रेंज कहां से कहां तक वेरी करती है? अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, ये वेरी कर रही है 16 से 20 तक, लेकिन ये 16 से 25 तक वेरी करती है। ठीक है, तो इस रेंज में भी आ जाए क्वेश्चन तो आप उसका भी आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 16 to 20। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अ टू स्ट्रोक साइकिल हैज अ वन सक्शन वाल्व एंड वन एग्जॉस्ट वाल्व ऑपरेटेड बाय वन कैम, वन सक्शन वाल्व एंड वन एग्जॉस्ट वाल्व ऑपरेटेड बाय टू कैम, ओनली पोर्ट्स कवर्ड एंड कवर्ड अनकवर्ड बाय द पिस्टन टू इफेक्ट चार्जिंग एंड एग्जॉस्टिंग। देखिए, हमारे जो मेन डिफरेंस है ना टू स्ट्रोक इंजन और फोर स्ट्रोक इंजन में, जो फोर स्ट्रोक इंजन होते हैं उसमें आपके सक्शन वाल्व होते हैं। ठीक है, सक्शन वाल्व होता है और एग्जॉस्ट वाल्व होता है, जबकि जो हमारे टू स्ट्रोक इंजन होते थे ना, उनमें केवल पोर्ट होते थे। ठीक है, एग्जॉस्ट पोर्ट, इनलेट पोर्ट, ये तीन पोर्ट होते हैं उसमें। ठीक है, तो मेन इसमें डिफरेंस यही रहता है कि उसमें पोर्ट होते हैं और इसमें वाल्व होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ओनली पोर्ट कवर एंड अनकवर्ड बाय पिस्टन टू इफेक्ट चार्जिंग एंड एग्जॉस्टिंग, ऑप्शन नंबर सी। अगला दिया हुआ है, फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो ऑटो साइकिल हैज मोर एफिशिएंसी देन डीजल साइकिल, डीजल साइकिल हैज मोर एफिशिएंसी देन ऑटो साइकिल, बोथ ऑटो एंड डीजल साइकिल आर इक्वली एफिशिएंट। अगला दिया हुआ है, कंप्रेशन रेशियो हैज नथिंग टू डू विथ एफिशिएंसी। ठीक है, देखिए, अब मैं आपके सामने बनाता हूं पीवी डायग्राम। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? सेम कंप्रेशन रेशियो। ठीक है, यदि ऑटो साइकिल आप बनाते हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या रहते हैं? ये कंप्रेशन किया, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन एक्सपेंशन और कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। ठीक है, इसका कंप्रेशन रेशियो ये हो जाएगा फॉर मैक्सिमम कंप्रेशन रेशियो, कि इतना कंप्रेस कर रहे हैं, इसके बाद हीट एडिशन कर रहे हैं। ठीक है, अब बनाते हैं क्या? डीजल साइकिल। डीजल साइकिल में कौन कौन सी प्रोसेस होती है? एडियाबेटिक कंप्रेशन, कॉन्स्टेंट प्रेशर हीट एडिशन एक्सपांशन और कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। ठीक है, यानी कि इसका कंप्रेशन रेशियो ये हो जाएगा मैक्सिमम कंप्रेशन रेशियो। चलिए इस साइकिल को ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये साइकिल तो इतना ही होगी मैक्सिमम कंप्रेशन रेशियो, इसके बाद ये आपका कांस्टेंट प्रेशर हो जाएगा और ये हीट रिजेक्शन हो जाएगा। देखिए, जो ऑटो साइकिल हो जाएगी उसमें इतना ज्यादा एरिया आपको मिल रहा होगा, जबकि जो डीजल साइकिल है उसमें इतना ही एरिया है। ठीक है, जबकि ऑटो साइकिल का एरिया ज्यादा है, तो फॉर सेम कंप्रेशन रेशियो जो एफिशिएंसी रहेगी ऑटो साइकिल की वो ज्यादा रहेगी किससे? डीजल साइकिल से। समझ में आ गया? क्योंकि देखिए, ऑटो साइकिल में दो प्रोसेस होती हैं आपकी, दो एडियाबेटिक होती हैं और दो कांस्टेंट वॉल्यूम होती हैं। ठीक है, जबकि जो आपकी डीजल साइकिल होती है उसमें कौन कौन सी प्रोसेस होती है? दो एडियाबेटिक होती हैं, एक कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन होती है और एक कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन होती है। इसने बोला है सेम कंप्रेशन रेशियो, तो आपको कंप्रेशन सेम करना है। इसके बाद कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल में वॉल्यूम बढ़ने की वजह से हीट एडिशन में आपका वॉल्यूम बढ़ जाता है, इसलिए वो एरिया ज्यादा मिल जाता है। इस वजह से उस साइकिल की एफिशिएंसी ज्यादा होगी किसके कंपैरिजन में? डीजल साइकिल के कंपैरिजन में। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑटो साइकिल आर मोर एफिशिएंट देन द डीजल साइकिल। अगला दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल कंबशन इंजन। ठीक है, तो टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, पेट्रोल इंजन की भी आपने गाड़ियां चलाई हैं। ठीक है, यामाहा RX 100 जो आती थी वो टू स्ट्रोक रहती थी, MHT आपकी बजाज की आती थी वो भी टू स्ट्रोक रहती थी, जितने भी आपके स्कूटर हैं, ठीक है, तो वो भी टू स्ट्रोक इंजन पे काम करते हैं, मोपेड, ये टू स्ट्रोक इंजन है। फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, जो आजकल की मॉडर्न गाड़ियां आती हैं वो फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन होती हैं। डीजल इंजन आपके जो बसेस होती हैं उसमें प्रैक्टिकली कंप्लीट डीजल इंजन तो यूज नहीं होता, लेकिन जनरली हम उसमें फ्यूल एज अ डीजल यूज करते हैं, इसलिए हमको उनको डीजल साइकिल बोलते हैं। ठीक है, स्टीम इंजन, अब स्टीम इंजन जो पावर प्लांट में आपके बॉयलर यूज होते हैं ना, उनमें हम कोल को बाहर जलाते हैं, फिर स्टीम को हीट करने के लिए कोल को बाहर जला देते हैं, फिर उससे जो स्टीम बनती है वो बॉयलर से बाहर आती है, यानी कि जो स्टीम इंजन होता है वो आपका
एक्सटर्नल कंबशन इंजन होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट दिया हुआ है कंप्रेशन रेशियो ऑफ आईसी इंजन इज, तो कंप्रेशन रेशियो आईसी इंजन का क्या होता है ये आपको बताना है। मैं ऑप्शन पढ़ लेता हूं, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर इन अ सिलेंडर बिफोर कंप्रेशन स्ट्रोक एंड आफ्टर कंप्रेशन स्ट्रोक, वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बाय द पिस्टन पर स्ट्रोक एंड क्लियरेंस वॉल्यूम इन सिलेंडर, रेशियो ऑफ प्रेशर आफ्टर कंप्रेशन एंड बिफोर कंप्रेशन। ठीक है, देखिए जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, यदि मैं साइकिल ड्रॉ करता हूं, किसने क्या पूछा है, आईसी इंजन, तो कोई सी भी ले लीजिए, पेट्रोल डीजल, टोटल वॉल्यूम आपको बताना है, ये वॉल्यूम वन हो जाएगा, इसके बाद मैंने कंप्रेशन किया तो ये वॉल्यूम टू हो जाएगा। ठीक है, यदि कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल रहेगी यानी कि ऑटो साइकिल रहेगी तो वही वॉल्यूम थ्री हो जाएगा, या फिर डीजल साइकिल रहेगी तो वॉल्यूम इधर आ जाएगा और ये आपका एग्जॉस्ट हो जाएगा, यानी ये पॉइंट वन हो जाएगा, ये टू हो जाएगा, ये थ्री हो जाएगा, ये फोर हो जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल रहती तो वहां से वो इधर आता। ठीक है, तो देखिए ये टोटल वॉल्यूम हो जाएगा वी वन, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, क्लियरेंस वॉल्यूम। तो इसमें यही पूछा है कि कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर इन द सिलेंडर बिफोर कंप्रेशन स्ट्रोक एंड आफ्टर कंप्रेशन स्ट्रोक। जो भी हम कंप्रेशन रेशियो लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, बी वन अपॉन बी टू, यही लिखते हैं, यानी कि बिफोर कंप्रेशन टू आफ्टर कंप्रेशन, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बिफोर कंप्रेशन एंड आफ्टर कंप्रेशन, वही किसके बराबर हो जाएगा, कंप्रेशन रेशियो के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ वर्किंग स्ट्रोक पर साइकिल स्ट्रोक पर मिनट फॉर अ टू स्ट्रोक सिलेंडर एज कंपेयर टू स्पीड टू इंजन इन द आरपीएम। ठीक है, देखिए इसमें यह पूछ रहा है, मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ता हूं, नंबर ऑफ वर्किंग स्ट्रोक पर मिनट, यानी कि नंबर ऑफ वर्किंग स्ट्रोक पर मिनट फॉर अ टू स्ट्रोक सिलेंडर एज कंपेयर टू स्पीड टू इंजन इन आरपीएम, यानी कि स्पीड के कंपेरिजन में वो ये बोल रहा है कि उसमें जो स्ट्रोक रहेंगे पर मिनट वो कितने स्ट्रोक होंगे, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर मैं आपको बताता हूं, देखिए एक आरपीएम हुआ तो आपका दो स्ट्रोक होते हैं, आपका कौन कौन से स्ट्रोक हो जाएंगे, सक्शन एंड कंप्रेशन, दो स्ट्रोक हो गए, ठीक है, फॉर टू स्ट्रोक। और अगला जो आरपीएम होगा उसमें भी आपके दो स्ट्रोक हो जाएंगे, क्या, एक्सपांशन और एग्जॉस्ट, यानी कि यदि आप स्ट्रोक को आरपीएम से कंपेयर करें तो स्ट्रोक और आरपीएम सेम होते हैं, किसके केस में, फोर स्ट्रोक सॉरी टू स्ट्रोक साइकिल के केस में। यदि फोर स्ट्रोक साइकिल में क्या होता है, जब आपका एक क्रैंक रोटेट करती है, सॉरी मैं गलत बोल गया, मैं ये बताना चाह रहा हूं, देखिए चार स्ट्रोक, चार प्रोसेस होती है आपकी, सक्शन कंप्रेशन एक्सपांशन और एग्जॉस्ट। ठीक है, जो आपका फोर स्ट्रोक इंजन होता है यानी कि उसमें उसको फोर स्ट्रोक लेने पड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, सक्शन कंप्रेशन एक्सपांशन एग्जॉस्ट, अलग अलग स्ट्रोक हो जाएंगे। ठीक है, इनको कंप्लीट करने के लिए एक बार क्रैंक रोटेशन होता है और इनको कंप्लीट करने के लिए एक बार क्रैंक का रोटेशन होता है, यानी कि चार प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए दो बार क्रैंक आपकी घूम जाती है। ठीक है, जबकि जो टू स्ट्रोक इंजन होता है ना, टू स्ट्रोक इंजन, उसमें आपका क्रैंक केवल एक आरपीएम लेती है, पूरा कंप्लीट आरपीएम, और चारों प्रोसेस हो जाती हैं। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ स्ट्रोक आरपीएम के बराबर हो जाएंगे, जबकि नंबर ऑफ स्ट्रोक फोर साइकिल के केस में जो भी आपके स्ट्रोक होंगे उनसे हाफ हो जाएंगे, इसीलिए हम उसमें एन बाय टू लिखते हैं। ठीक है, जबकि इसके केस में जो स्पीड रहेगी वही आपके किसके बराबर हो जाएगी, इसके बराबर, यानी कि एक क्रैंक रोटेशन में ही सारी प्रोसेस हो जाती है। ठीक है, और जो आपकी फॉर्मूला कार रहती है उनमें भी टू स्ट्रोक इंजन यूज करते हैं क्योंकि पिकअप ये बहुत जल्दी ले लेता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दिया हुआ है, द कंप्रेशन इग्निशन इंजन इज, देखिए कंप्रेशन इग्निशन इंजन हमारा कौन सा होता है, जिसमें ये हमारा होता है डीजल इंजन, इसमें हम क्या करते हैं, इनिशियली एयर को शक करते हैं और उसको कंप्रेस कर देते हैं। ठीक है, फिर मल्टी फ्यूल इंजेक्टर से हम फ्यूल को इंजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, जबकि जो आपका स्पार्क इग्निशन इंजन होता है वो आपका होता है कौन सा, पेट्रोल इंजन, क्योंकि उसमें हम स्पार्क की मदद से जो आपका मिक्सर होता है एयर एंड फ्यूल का, यानी कि एयर एंड पेट्रोल को, उसको बंद करते हैं। ठीक है, देखिए अब मैं एक रीजन और बता देता हूं, आपने सुना होगा ना कि डीजल इंजन आपका ज्यादा वाइब्रेट करता है, उसका रीजन ये रहता है कि माना कि आप क्या करते हैं, ये आपने प्रोसेस की, इसके बाद कांस्टेंट प्रेशर पर
आप हीट एडिशन करते हैं। हीट एडिशन करने का मतलब क्या है कि उसमें फ्यूल को आपको इंजेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर जो हम केवल डीजल इंजन में कंप्रेस करते हैं वो एयर को कंप्रेस करते हैं, ठीक है। तो देखिए, माना कि यदि आपका इनिशियल प्रेशर 1 बार था, आफ्टर कंप्रेशन आपका प्रेशर कितना हो गया 32 बार, ठीक है, यानी कि एटमोस्फियरिक प्रेशर से 32 टाइम्स ज्यादा हो जाता है। अब इस प्रेशर पर मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्टर को यहां पर फ्यूल को इंजेक्ट करना है, यानी कि इतने प्रेशर उसको लगाना पड़ता है। उसी वजह से यही रीजन रहता है कि आपका पेट्रोल इंजन ज्यादा वाइब्रेट करता है एट कंपेयर टू, किसके कंपेरिजन में, डीजल इंजन ज्यादा वाइब्रेट करता है एज कंपेयर टू पेट्रोल इंजन। पेट्रोल इंजन में क्या रहता है, आपका केवल उसमें स्पार्क देना रहता है, ठीक है। जब स्पार्क ही देना है तो स्पार्क में बैटरी काम कर देती है, उस वजह से उसका वाइब्रेशन कम होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, द कंप्रेशन इग्निशन इंजन इज अ डीजल इंजन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, पेट्रोल इंजन वर्क ऑन, पेट्रोल इंजन ऑटो साइकिल पर काम करते हैं, जो डीजल इंजन होते हैं वो डीजल साइकिल पर काम करते हैं। ये तो सिंपल है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला दिया हुआ है, प्रोसेस इन थर्मोडायनेमिक साइकिल आर आइसेंट्रोपिक, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, कॉन्स्टेंट प्रेशर, आइसोथर्मल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन अन एयर स्टैंडर्ड डुअल साइकिल। देखिए, एक तो हमारे पास क्या होता है, पेट्रोल इंजन ऑटो साइकिल, दूसरा होता है डीजल इंजन, और एक होता है डुअल इंजन। डुअल इंजन में दो प्रोसेस होती है। यदि मैं ऑटो साइकिल को ड्रॉ करूंगा, पेट्रोल इंजन को, एडियाबेटिक कंप्रेशन, ठीक है, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन और एक्सपांशन, ये भी क्या होता है, एडियाबेटिक और एग्जॉस्ट हो जाता है कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर। यदि मैं डीजल साइकिल को ड्रॉ करता हूं तो एडियाबेटिक कंप्रेशन, कॉन्स्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, एडियाबेटिक एक्सपांशन और कॉन्स्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। अब इन दोनों को कंबाइन कर दिया है हमने, किन किन को, ऑटो और डीजल को, और यहां पर बना दिया एडियाबेटिक कंप्रेशन, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, कॉन्स्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, एक्सपांशन और एग्जॉस्ट। यानी कि इसमें सारी प्रोसेस हो रही, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस भी हो गई आपकी, कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस भी हो गई, और आइसेंट्रोपिक यानी कि रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन और एक्सपांशन हो गया। जो केवल प्रोसेस नहीं हुई है वो कौन सी प्रोसेस नहीं हुई है, आइसोथर्मल प्रोसेस। इसमें कोई सी भी प्रोसेस आपकी आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ है, आइसोथर्मल, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर, अ कार्नोट इंजन यूजेस नाइट्रोजन एज द वर्किंग फ्लूइड, द हीट सप्लाइड इज 53 किलो जूल एंड एडियाबेटिक एक्सपांशन रेशियो इज 16:1, द रिसीवर टेम्परेचर इज 495 केल्विन। यानी कि जो हीट हम रिजेक्ट करेंगे उसका टेम्परेचर दिया हुआ है, उसने क्या दिया हुआ है आपको, वो टेम्परेचर दिया हुआ है 295, ठीक है। तो हीट रिजेक्टेड इन किलो जूल, तो कितनी हीट हम उसको रिजेक्ट कर रहे हैं ये आपको बताना है, ठीक है। यदि मैं केस ड्रॉ करता हूं किसका, एडियाबेटिक का पीवी ड्रॉ करूंगा, तो क्या हो जाएगा, आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन, ठीक है, एडियाबेटिक कंप्रेशन, आइसोथर्मल हीट एडिशन और एडियाबेटिक एक्सपांशन, ठीक है। यदि मैं इसको नाम देता हूं 1, 2, 3, 4, इसी का यदि मैं टीएस डायग्राम बनाता हूं, तो टीएस डायग्राम तो कुछ इस तरह बन जाएगा इसका, ठीक है। कितना हो जाएगा, ये टेम्परेचर हो जाएगा 1 पॉइंट हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, T3 = T4 = T higher और T2 = T1 = T lower, यानी कि ये लोअर टेम्परेचर हो जाएगा, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैं जानता हूं एफिशियंसी इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क हमको मिल रहा है और कितने हमने हीट सप्लाई किया, फिर ये लिख सकते हैं 1 - T2 / T1। T2 किसका टेम्परेचर हो जाता है, सिंक का टेम्परेचर, सॉरी यहां पर क्या लिख रहा हूं मैं, यहां पर सिंक का टेम्परेचर आपका क्या हो जाएगा, या तो T1 हो जाएगा या T2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों टेम्परेचर बराबर है, इसलिए मैं लिख दूंगा T lower / T higher, ठीक है। टी लोअर की जगह पर मैं क्या वैल्यू रख सकता हूं, T1, T2 और टी हायर की जगह पर T3 और T4 में वैल्यू रख सकता हूं, ये यहां से मुझे निकालनी है, ठीक है। ये तो एक केस हो गया। अब उसने दिया हुआ है एक्सपांशन रेशियो। अब देखिए, एक्सपांशन रेशियो तो यही है, क्या हो जाएगा, B4 / B1, क्योंकि जो B1 वॉल्यूम होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू B4, तभी तो उसने दिया हुआ है कितना 64। तो क्या लिख सकता हूं मैं, B1 / B4 = टेम्परेचर भी मुझे लिखना पड़ेगा, टेम्परेचर को क्या लिख लेता हूं मैं, टी हायर और टी लोअर की टर्म में लिख लेता हूं, क्योंकि T1 T2 लिखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आइसोथर्मल हीट एडिशन होता है और आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन होता है, इसलिए टी लोअर और टी हायर की टर्म में लिख लेता हूं, क्योंकि मुझे ये चाहिए भी टी लोअर और टी हायर की टर्म में, ठीक है, चलिए वो लिख लेते हैं हम। तो बी वन के अपोजिट क्या हो जाएगा,
क्योंकि इसमें रिलेशन जो होता है वो क्या होता है, वी टी टू दी पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टेम्परेचर के लिए, तो क्या हो जाएगा वी फोर अपॉन वी वन इज इक्वल टू टेम्परेचर अपोजिट हो जाएगा टी वन, और टी वन को क्या लिख सकता हूं मैं टी लोअर अपॉन टी हायर टू दी पावर, सॉरी ये रिलेशन ये होता है वी टी टू फिर से वही लिख रहा हूं मैं टी वी टू दी पावर गामा माइनस वन, ये रिलेशन होता है ठीक है। तो टेम्परेचर पे आएगा तो कितना हो जाएगा ये वन अपॉन गामा माइनस वन इतना हो जाएगा ठीक है। तो ये बी फोर मुझे कितना दिया हुआ वन और बी वन कितना दिया हुआ 16, इसकी पावर में कर दूंगा क्या गामा माइनस वन इज इक्वल टू टी लोअर अपॉन टी हायर, यहां से मुझे टी लोअर अपॉन टी हायर की वैल्यू मिल जाएगी और गामा की वैल्यू उसने नहीं दी हुई है तो गामा की वैल्यू हम कितनी मान लेते हैं 1.4 ठीक है। तो कितना हो जाएगा 0.4, 0.4 को क्या लिख सकता हूं मैं 2/5 ठीक है। तो यहां से जो टी लोअर अपॉन टी हायर की जो वैल्यू मुझे मिलने वाली है वो वैल्यू मुझे कितनी मिलने वाली 3.03 ये वैल्यू मुझे मिल जाएगी सॉरी ये जो वैल्यू रहेगी ना ये इतनी रहेगी 1/3.03 ठीक है। ये मुझे वैल्यू मिल जाएगी किसकी टी लोअर अपॉन टी हायर की ठीक है। अब इसमें वैल्यू रख देते हैं हम तो एफिशिएंसी यहां से निकल जाएगी कितना हो जाएगा 1-1 अपॉन इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3.03 ठीक है। तो यहां से जो एफिशिएंसी हमको मिलने वाली है वो कितनी मिलने वाली है उसकी वैल्यू आपके पास आने वाली है कितनी 0.67। तो इस तरह आपको सॉल्व करना था इसको ठीक है। इसमें मैंने क्या किया मैंने सबसे पहले तो ये देखा कि पीबी और टीएस डायग्राम हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं ठीक है। वहीं से मैंने अंदाजा लगा लिया कि एफिशिएंसी कार्नोट साइकिल के लिए तो यही होती क्योंकि कार्नोट इंजन होती है वो रिवर्सिबल साइकिल होती है और रिवर्सिबल साइकिल या फिर कार्नोट साइकिल में जो एफिशिएंसी होती है वो टेम्परेचर लिमिट पर डिपेंड करती है ठीक है। अब मैंने देखा कि एक्सपांशन रेशियो दिया है तो एक्सपांशन रेशियो तो ये हो जाएगा आपका ठीक है। अब मेरे को ये भी दिख रहा है कि वॉल्यूम बी1 ज्यादा होगा बी4 कम होगा क्योंकि एक्सपांशन के बाद ज्यादा होगा, वहीं से मैंने इसको कैलकुलेट किया तो ये वैल्यू मेरे पास एफिशिएंसी की आ चुकी है ठीक है। तो इस तरह हम एफिशिएंसी इसकी कैलकुलेट कर लेंगे ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया फॉर द सेम मैक्सिमम प्रेशर एंड पीक टेम्परेचर विच साइकिल विल बी द मोस्ट एफिशिएंट ठीक है। मैक्सिमम प्रेशर फॉर द सेम मैक्सिमम प्रेशर एंड पीक टेम्परेचर ठीक है। चलिए निकाल लेते हैं क्वेश्चन दिया हुआ है फॉर द सेम मैक्सिमम प्रेशर एंड पीक टेम्परेचर विच साइकिल विल बी द मोस्ट एफिशिएंट ठीक है। तो देखिए इसने क्या बोला है सेम मैक्सिमम प्रेशर देखिए हम कंपैरिजन कर लेते हैं ये मेरा क्या हो जाएगा एडियाबेटिक कंप्रेशन ये हो जाएगा क्या वॉल्यूम किसके केस में हो जाएगा ये वॉल्यूम कॉन्स्टेंट वॉल्यूम साइकिल के केस में यानी कि ऑटो साइकिल के केस में ठीक है। इसके बाद ये क्या हो जाएगा एडियाबेटिक एक्सपांशन और ये हो जाएगा एग्जॉस्ट ठीक है। यानी कि इसका सेम मैक्सिमम प्रेशर यहां पर ज्यादा होगा ठीक है। चलिए क्योंकि ये प्रेशर की लाइन होती है और ये टेम्परेचर होता है ठीक है। अब मैं क्या ड्रॉ करता हूं क्या कौन सी साइकिल अब मैंने ये ड्रॉ की क्योंकि मुझे यही प्रेशर चाहिए इसके बाद कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन होता है किसके केस में डीजल साइकिल के केस में इसलिए डीजल साइकिल के केस में इतना एरिया ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल। तो इस केस में यानी कि फॉर द सेम मैक्सिमम प्रेशर एंड पीक टेम्परेचर जो एफिशिएंसी है वो ज्यादा किसके लिए हो जाएगी वो ज्यादा हो जाएगी किसके लिए डीजल साइकिल के लिए ठीक है। और फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो जो एफिशिएंसी है वो किसकी ज्यादा हो जाएगी वो ज्यादा हो जाएगी आपकी ऑटो साइकिल के लिए। इसका ऑप्शन नंबर है सही आंसर हो जाएगा। अगला दिया हुआ है अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है फॉर अ फोर स्ट्रोक डीजल इंजन द कंप्रेशन रेशियो इज 20:1 एंड द कट ऑफ रेशियो इज 2:1 व्हाट इज द एक्सपांशन रेशियो। तो आपको ये बताना है एक्सपांशन रेशियो क्या होगा ठीक है। तो देखिए कंप्रेशन रेशियो क्या होता है वी वन अपॉन वी टू इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 21 इतना ही तो दिया हुआ है बी वन ज्यादा होगा बी वन कम होगा 21:1। कट ऑफ रेशियो क्या होता है कट ऑफ रेशियो यदि बी इसको वन दे दू 2:3 तो कट ऑफ रेशियो क्या होता है बी थ्री अपॉन वी टू यानी कि कितने पर आपका हीट एडिशन हो रहा है वो होता है कट ऑफ रेशियो जो कि आपको कितना दिया हुआ है 2:1। अब उसने पूछा एक्सपांशन रेशियो तो एक्सपांशन रेशियो क्या हो जाएगा V4 अपॉन V3 यही तो आपका एक्सपांशन रेशियो हो जाएगा।
और यहां पर से आप देख सकते हैं V1 को मैं क्या लिख सकता हूं, V4 के बराबर लिख सकता हूं ना। तो यहां पर मैं क्या चेंज कर दूंगा इसको, इसको कर दूंगा V1/V3। और यहां से क्या लिख सकता हूं मैं, यदि मैं यहां पर B2 का ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दूं और B2 का नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि B2 से B2 कैंसिल हो जाएगा और ये मेरा सेम टर्म यहां पर बच जाएगा, इसलिए इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, अब मैं इसको कैसे मॉडिफाई करके लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं, कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, B1/B2 = B2/B3। अब देखिए B1/B2 मेरे पास कितना है 21 और B3/B2 कितना है मेरे पास 2, तो इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 10.5। ये वैल्यू मेरे पास किसकी आ जाएगी, एक्सपांशन रेशियो की। ठीक है, क्योंकि यहां से मैंने उसको केवल मॉडिफाई किया है। ठीक है, चलिए अगला दिया हुआ है, फॉर द सेम इनलेट कंडीशन एंड कंप्रेशन रेशियो, फॉर द सेम इनलेट कंडीशन एंड कंप्रेशन रेशियो द एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल। तो ये तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, क्या बता चुका हूं कि फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो जो ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी है वो ज्यादा रहेगी किससे, डीजल साइकिल से। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला दिया हुआ है, द मीन इफेक्टिव प्रेशर ऑफ एन ऑटो साइकिल इज द रेशियो बिटवीन। देखिए जो मीन इफेक्टिव प्रेशर होता है वो किस किस का रेशियो होता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर मीन इफेक्टिव प्रेशर इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। ये इसका यदि आपको वर्क डन दिया हुआ तो ठीक, मीन इफेक्टिव प्रेशर दिया हुआ तो आप स्ट्रोक वॉल्यूम वहां से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये वर्क और मीन इफेक्टिव प्रेशर और स्ट्रोक वॉल्यूम में रिलेशन होता है। अब उसने क्या दे दिया, मीन इफेक्टिव प्रेशर आपको दे दिया, तो किस किस का रेशियो हो जाएगा, नेट वर्क प्रोड्यूस टू द क्या हो जाएगा, नेटवर्क प्रोड्यूस टू द स्वेप्ट वॉल्यूम, यानी कि कितना वॉल्यूम वो स्वेप्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, पी मीन इफेक्टिव प्रेशर इज इक्वल टू W/Bs। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला दिया हुआ है, द ऑटो साइकिल साइकिल थर्मल एफिशिएंसी विथ यूजुअल नोटेशन आर गिवन। ठीक है, जो कि हमको दिए हुए हैं ये आपको समझने पड़ेंगे, आर दिया हुआ है कंप्लीशन रेशियो और गामा दिया हुआ है एडियाबेटिक इंडेक्स। तो इस केस में एफिशिएंसी क्या होती है, किसकी, ऑटो साइकिल की, ये आपको बतानी है। तो जो ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी होती है 1/1/r^γ-1, ये एफिशिएंसी होती है, फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/r^γ-1, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी कर दीजिए 1 ही रहने वाला है। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं और दूसरा भी लिख सकते हैं, तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। और ऑटो साइकिल में आप एक बात और ध्यान रखिए, क्या ध्यान रखिए, T1/T3 = T2/T4 होता है। ठीक है, इवन एक साथ, ऑड एक साथ, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कभी आपको T1, T2, T3 पता होगा और T4 पूछ सकता है कि इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मैं लगाता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फॉर द सेम आउटपुट सेम स्पीड एंड सेम कंप्रेशन रेशियो द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ टू साइकिल पेट्रोल इंजन एज कंपेयर टू दैट ऑफ 4-stroke पेट्रोल साइकिल। तो ये क्या होगी, देखिए हमने 2-stroke इंजन बनाया, इसके बाद 4-stroke इंजन बनाया, ऐसा क्यों, और आजकल की जितनी भी बाइक है वो 4-stroke इंजन पर चलती है, इसका रीजन क्या होगा, इसका रीजन ये होगा कि हम एफिशिएंसी पर काम कर रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल UN ने भी सेट किए हुए हैं, तो हम एक ऐसा पैटर्न बनाना चाहते हैं जिसमें कंजम्पशन फ्यूल का कम हो और हमको वर्क ज्यादा मिले। वो कब होगा पॉसिबल, ये जब भी पॉसिबल होगा जबकि इंजन आपके ज्यादा एफिशिएंट होंगे, यानी कि सेम कंप्रेशन रेशियो और सेम थर्मल एफिशिएंसी, तो 2-stroke इंजन की कम रही होगी, तभी तो हमने उनको बाहर कर दिया, और 4-stroke इंजन की आजकल जितनी भी बाइक आती हैं वो 4-stroke इंजन की रहती हैं, इसीलिए 2-stroke इंजन लेस एफिशिएंट होगा किसके कंपैरिजन में, 4-stroke के। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला दिया हुआ है, इन अ डीजल इंजन द फ्यूल इज इग्नाइटेड बाय स्पार्क इंजेक्शन फ्यूल
इंजेक्टेड फ्यूल हिट रिजल्टिंग फ्रॉम कंप्रेसिंग एयर दैट इज सप्लाइड फॉर कंबशन और इग्नाइटर। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए जो हमारा डीजल इंजन होता है उसमें हम क्या करते हैं, एयर को सक करते हैं और फिर उसको कंप्रेस कर लेते हैं, ठीक है। तो एयर का हम जैसा कि जानते हैं प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है टेम्परेचर, 1 bar से हमने 32 bar तक कंप्रेस कर लिया है इसको, ठीक है। तो इसका प्रेशर बढ़ा होगा तो टेम्परेचर भी बढ़ा होगा, जाहिर सी बात है क्योंकि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर होता है। इसके बाद यदि हम इसमें फ्यूल को इंजेक्ट करेंगे तो फ्यूल बर्न होगा कि नहीं, तो इसका रीजन ये हो जाता है हीट रिजल्टिंग फ्रॉम कंप्रेसिंग एयर दैट इज सप्लाइड फॉर कंप्रेशन, ठीक है। तो एयर को हमने कंप्रेस किया तो उसी की वजह से फ्यूल जल रहा है। अभी आप बगैर कंप्रेस किए हुए एयर में पेट्रोल डालिए, सॉरी डीजल डालिए, डीजल आपका इग्नाइट नहीं होगा। एक बात और, जो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर होता है ना वो पेट्रोल का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू डीजल, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगला दिया हुआ है, लीन एयर फ्यूल मिक्सर इज रिक्वायर्ड फॉर, देखिए एक होता है लीन एक होता है रिच, ठीक है। तो देखिए मैं आपको कुछ रेशियो लिखवा देता हूं, ये रेशियो आप याद रखिए, ठीक है। इस ये जो रेशियो रहेगा ये रहेगा एयर टू फ्यूल, यानी कि एयर का हम इतना पार्ट यूज करेंगे और फ्यूल का इतना पार्ट यूज करेंगे, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि लीन एयर फ्यूल मिक्सर हम कब यूज करते हैं, ठीक है। वैसे इसका आंसर हो जाएगा क्रूजिंग स्पीड पर आप लीन एयर फ्यूल मिक्सर यूज करते हैं, ठीक है। एक कंडीशन होती है कोल्ड स्टार्टिंग, कोल्ड स्टार्टिंग में जो एयर टू फ्यूल रेशियो रहता है 3:5 रेशियो रहेगा किसका, एयर का, और 1:1 रहेगा फ्यूल का, ठीक है। अगली कंडीशन क्या हो जाती, आइडलिंग कंडीशन, आइडलिंग कंडीशन में ये रेशियो रह जाता है 5:10, ठीक है। अगली कंडीशन क्या हो जाती है, एक्सेलरेशन, जब आप बाइक को एक्सेलरेट करते हैं ना तो देखिए उसमें फ्यूल का कंजम्पशन क्या होता है, 12:13 ये रेशियो रहता है जब आप एक्सेलरेट करते हैं, ठीक है। अब आता है क्रूजिंग स्पीड, ठीक है ना, वो बोलते हैं ना इकोनॉमिकल कंडीशन में आप चलाइए, वही कंडीशन होती है क्रूजिंग स्पीड, ठीक है। ये कितनी हो जाएगी, 15.5 to 16.5, और एक और होता है आपका क्या, लीन मिक्सर, ठीक है। तो लीन मिक्सर के केस में ये रेशियो कितना हो जाता है, 17:21, यानी कि इतना रेशियो एयर का रहेगा और 1:1 किसका रहेगा, फ्यूल का रहेगा, ठीक है। तो ये कंडीशन आपके सामने रहती है, तो इसमें क्या हो जाएगा, लीन इज द फ्यूल मिक्सर इज रिक्वायर्ड फॉर क्रूजिंग, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फंक्शन ऑफ कार्बोरेटर इज टू सप्लाई, जो देखिए आपने जब भी सुना होगा ना कि आपको कार्बोरेटर में काम करवाना है तो पेट्रोल गाड़ियां होती हैं उनमें कार्बोरेटर हम यूज करते हैं। कार्बोरेटर क्या करता है, एयर और पेट्रोल को मिक्स करता है, ठीक है। तो कार्बोरेटर हम किस में यूज करते हैं, पेट्रोल और एयर को जो मिक्स करे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा और भी नॉन टेक्निकल क्लासेस आपको मिलने लगी है, पॉलिटी आज हिंदी का लेक्चर भी अपलोड होगा, ठीक है। इसके अलावा मैथ्स रीजनिंग, तो आपको करना क्या है, अब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि काफी अच्छे अच्छे टीचर यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है। तो उसका फायदा भी आपको मिलेगा। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।